तो दोस्तों ये है हमारे पास आज टोरेटो बैंक प्लस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू। तो अगर आप सभी इस पोर्टेबल स्पीकर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो या एक पोर्टेबल स्पीकर बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हो और मैं बताऊंगा कि आप सबके लिए क्या ये स्पीकर है, ये बेस्ट होने वाला है या वेस्ट। तो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको करना क्या, सिंपली वीडियो के ऊपर बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस सबसे पहले बॉक्स की पैकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे फ्रंट की साइड देखोगे तो यहाँ पे टोरेटो बैंक प्लस पोर्टेबल स्पीकर का लोगो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर वगैरह मेंशन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे कॉर्नर में टोरेटो का मॉडल नंबर है। राइट साइड में यहाँ पे बॉक्स की पैकिंग कुछ इस टाइप से होने वाली है। और लेफ्ट साइड में आप देखो तो यहाँ पे स्मॉल इन साइज बिग वन साउंड का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों बॉक्स की पैकिंग कुछ इस टाइप से है लेफ्ट एंड राइट साइड से। और बॉक्स की बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ फुली ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर आपको मैन्युफैक्चर डिटेल और MRP मेंशन है, जो कि है 2499 रुपये, यानी कि 2499। लेकिन आप सबको ये जो स्पीकर है ये 1500 की रेंज में आप सबको मिल जाता है। तो आप फटाफट से इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में से क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस में आप सबको एक छोटा सा वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसे कि आप रजिस्टर करने से आपको वारंटी 1 साल की मिल जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है। तो इसके बाद हमें इसमें टोरेटो बैंक प्लस का यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसे कि आप जब चाहो तो रीड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें एक फैब्रिक का नॉर्मल क्वालिटी के साथ कैरी पाउच मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें कि आप सबको इसमें कैरी पाउच है। नेक्स्ट इसमें आप सबको USB माइक्रो चार्जिंग केबल मिल जाता है, जो कि नॉर्मल क्वालिटी के साथ आता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आप सबको ऑक्स ऑडियो केबल मिल जाता है, जो कि ये भी बहुत ही एवरेज क्वालिटी के साथ आ रहा है। उसके बाद इसमें आपको एक कैरी करने के लिए क्लिप मिल जाता है, जिसे कि आप अपने स्पीकर के साथ कैरी कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट हमें मिल जाता है इसमें टोरेटो का बैंक प्लस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। बस इसके अलावा इस बॉक्स में हमें और कुछ नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर के लुक, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात। तो गाइज ये है हमारा टोरेटो बैंक प्लस पोर्टेबल ब्लू स्पीकर, जो कि फुली ब्लैक कलर के साथ है। और यहाँ सामने की तरफ आप देखोगे तो टोरेटो को ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और इसका जो ऊपर का फ्रंट का साइड है गाइज, ये मेटल की जाली लगी हुई है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीमीडिया बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4 बटन है। और नीचे की साइड आप देखो तो यहाँ पे सिलिकॉन के पैड लगे हैं, जैसे कि रखने में काफ़ी कंफर्टेबल रहे, स्लिप वगैरह नहीं होंगे। और बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको बास रेडिएटर मिल जाता है, जो कि बेस क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट काफ़ी लगेगा, बाकी हम बाद में बात करेंगे। और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग इनपुट और पेन ड्राइव वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसकी डिटेल भी हम बाद में जानेंगे। तो फिलहाल हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गाइस ये प्लास्टिक प्लस मेटल के साथ आता है, तो बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट भी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। और लुक और डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही स्मॉल है, यानी कि काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गाइज़ अब इसके ऊपर की साइड जो मल्टीमीडिया बटन है, अब इसके बारे में बात की जाए तो गाइज़ यहाँ पे आप सबको टोटल 4 कीज़ मिल जाता है, जो कि सबसे पहला बटन है M बटन है, जो कि मोड का है, यानी कि आप जस्ट इसको क्लिक करते हो तो आप अपने स्पीकर का जो मोड है उसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने ब्लूटूथ मोड पर लाना हो, FM मोड यूज़ करना चाहते हो, मेमोरी कार्ड पे चलाना हो या पेन ड्राइव आपने यूज़ करना हो, तो ये सारे फंक्शन आप सिर्फ एक मोड बटन से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको 2 सेंटर में बटन मिल जाता है, जो कि नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन है, और यही बटन से आप सब इसका वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 बटन, जो कि एक नेक्स्ट का है एक प्रीवियस का है, तो इस सिंगल क्लिक से आप इसका सॉन्ग को नेक्स्ट और या प्रीवियस कर सकते हो, और होल्ड करने से आप इसका वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमें मिल जाता है यहाँ पे प्ले पॉज का बटन, जिसे क्लिक करने से आप अपने म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो या पॉज कर सकते हो। और कॉलिंग फंक्शन भी इसके अंदर है, तो इसी बटन से आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हो और डिसकनेक्ट भी आप सब इसी बटन से कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारे बटन काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी यूज़फुल बटन भी है, तो आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से इस बटन को वर्क कर सकते हो और इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो गाइस अगर आप सबको इस टोरेटो बैंक प्लस का लुक और डिज़ाइन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो अब बात कर लेते हैं इसके पीछे साइड में। तो गाइस यहाँ पे पीछे साइड आप देखो तो यहाँ पे एक सिंगल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, जिसे कि आप स्लाइड करने से आप अपने स्पीकर को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और उसके साथ में आप देखो तो यहाँ पे माइक्रो चार्जिंग पोर्ट बना हुआ है, जिसकी मदद से आप सब अपने स्पीकर को चार्ज करना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है, जो कि आप अपने स्पीकर में पेन ड्राइव से ही डाउनलोडेड किया हुआ सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। उस पर नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पे TF कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मेमोरी कार्ड्स पे भी आप इसको प्ले कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्स इन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप सब अपने स्पीकर को ऑक्स वायर के साथ भी प्ले कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए, और तो काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और अब बात कर लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में। तो गाइस टोरंटो बैंक प्लस जो स्पीकर है, इसमें आप सबको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है, जो कि कनेक्टिविटी में किसी भी तरह का इशू नहीं होने वाला है। साथ में इसमें आपको 10 वाट के स्पीकर मिल जाते हैं, जिसमें ऑडियो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और साथ में बासरी रेडिएटर भी काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आप सबको TWS का फीचर मिल जाता है, जो कि आप सब 2 स्पीकर को एक साथ आपस में पेयर कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आप सबको 4 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा कम लगा। अगर इसका बैटरी टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता। और इसका चार्जिंग टाइम भी 2 से 3 घंटे, यानी कि आप इसको फुल कर सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मेमोरी कार्ड, USB पेन ड्राइव, ऑक्स केबल, ब्लूटूथ मोड, तो ये सारी चीज़ें आप सबको मिल जाती है। और साथ में इसमें इनबिल्ट FM का भी मोड है, इनबिल्ट माइक आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं आप सबको। और अब बात कर लेते हैं क्या स्पीकर को बाय करना चाहिए या नहीं। तो गाइज मैंने स्पीकर को पर्सनली मैंने इसका सॉन्ग प्ले करके देखा है, तो म्यूज़िक क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बेस भी काफ़ी अच्छा है पहले वाले बैंक मॉडल से। तो अगर बात करें इस स्पीकर को बाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप सब एक मिड रेंज पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को बाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो 15,000 की रेंज में ये पोर्टेबल स्पीकर काफ़ी अच्छा है। और इसमें अगर इसका थोड़ा बैटरी इंप्रूवमेंट हो जाता तो मुझे और ज़्यादा बेटर हो जाता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मली सभी स्पीकर का इस रेंज में सबका बैटरी 5-6 घंटे के आसपास होता है। तो अगर आप सभी इसका वॉल्यूम का 70-80% कर लेते हो, तो आप सभी इस पर म्यूज़िक प्ले वो 4 से 5 घंटे सुन सकते हो। तो ओवरऑल बॉक्स की लुक और डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो इसके के अकॉर्डिंग आप सभी स्पीकर को चाहो तो बाय कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप सबने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना। और इससे रिलेटेड अगर आप सबने मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।